नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड दृष्टि न्यूज। अभी हम उनसे ना बात, हरिहरगंज विधानसभा जानते हैं, चित्तौड़गढ़ का नाम जाना जाता है, जो यहाँ पर जो है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विनोद सिंह यानी दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। लकीर है, किस्मत है जो कि एक ही चुनाव चिन्ह मिला है, अंगूठी छाप। और अभी चलते हैं उनसे बात करते हैं, इसके बाद पूरा खबर को हम विस्तार से बताएंगे। सर, झारखंड दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए, धन्यवाद आपको। सर, ये बताइए, आपका लकीर चुनाव चिन्ह मिला हुआ है, अब दूसरी बार जो है आपको अंगूठी छाप मिला हुआ है, लेकिन आप बीजेपी का कदम से कदम मिला के चले हैं, पूरा क्षेत्र में बीजेपी का लहर बहाए थे, लेकिन आज बीजेपी क्या ऐसा चीज़ हुआ कि आपको टिकट ना दे करके अदर पार्टी के जो ज्वाइनिंग की उस पर टिकट दिया गया? उस पर कोई नहीं है, शीर्ष नेता ने जो डिसीजन लिया हो उस पर हमारा कुछ नहीं। उन लोगों को निर्णय लेना था, उन्होंने जो निर्णय लिया, हमारे जो कार्यकर्ता थे जो निर्णय लिए, तो आप सामने देख रहे हैं। आपका क्षेत्र में अभी पूरा वर्चस्व चल रहा है, यानी तिनकोनिया लड़ाई है सर, इसमें क्या आपका पूरा वोटर जो अभी आशीर्वाद दे रहे हैं? देखिए, आप जो बोल रहे हैं वो हमारे क्षेत्र में 81 विधानसभा में नेता लड़ रहे हैं 80 में, और 81वां जो विधान 79वां जो विधानसभा है, जो इकलौता हुसैनाबाद हरियाणा विधानसभा है, वो नेता विधान नहीं चुनाव लड़ रहा, वहाँ के कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं। और जो आप कह रहे हैं कि तिनकोनिए कुछ यहाँ नहीं है, ये जो तूफान आपने देख रहे हैं वो तूफान में सारे के सारे उड़ गए, कोई नहीं है अभी। खाली ये लोग सोच रहे हैं कि कितने मार्जिन से हम आगे आएंगे। अभी जो आपका वर्तमान विधायक जी हैं, बहुत क्षेत्र में विकास किए हैं, इसको कुछ बोलना चाहिए? विकास जो किए हूँ आप ही देखे होंगे क्या विकास किए हैं, इतना जरूर है कि वो अपने घर का विकास किए हैं। इसके अलावा कोई विकास जो है वो आप जाके देख लीजिए कि मेन रोड छोड़ के कहीं रोड पर चलने के लिए नहीं होगा। क्या इस बार अंगूठी छाप जो आपका लकीर है, क्या उनसे ना बात का लकीर विकास के लिए खींचेगा? मैं इससे पहले भी जिला परिषद उपाध्यक्ष थे जी, और हमारे साथ में संतोष उस समय प्रमुख हुआ करते थे, ये भी मेंबर थे वहाँ। तो हम लोग 283 पंचायत में ऐसा लकीर खींचे हुए हैं कि अगर आप पलामू से पूछेगा 283 पंचायत में, तो 283 पंचायत से विनोद सिंह के बारे में बताया कि विनोद सिंह के काम करने का तौर तरीका क्या है। ये मैंने काम करता था ना, तो जितने माननीय विधायक जी लोग थे उन लोग भी चाहते थे कि कैसे हटे। आपने देखा होगा कि पलामू में कैसे बाढ़ आता था, कि भाई जब बैठक होती थी जिला योजना की तो सारे लोग को सांस फूलने लगता था, सारे विधायक लोग को। तो हम लोग का काम करने का तौर तरीका है, हमको जो भी विकास करना है अपने क्षेत्र के लिए विकास करना है, अपने लिए कोई विकास नहीं करना है, कार्यकर्ता के लिए विकास करना है। यहाँ पर ही बीजेपी का एक से एक कदावर नेता का आगमन होने जा रहा है। किसी भी, आप अभी दो तीन नेता चले गए आकर, जितना उनके हेलीकॉप्टर से उतरे होंगे, तो हमारी जो अभी संख्या देखे उससे कम भीड़ थी वहाँ पर। अरे, मैंने बताया ना कि ये जो तूफान है, उस तूफान में कोई नेता आ जाए, कई हेलीकॉप्टर उतार दें, उससे कोई अंतर मेरे कार्यकर्ता को नहीं पड़ेगा। आज के जो जन सलाब जो हम देखे विनोद सिंह का आवास पर, यानी वोटरों जो हैं पूरा तन धन मन से जो है इनका आशीर्वाद दे रहे हैं, और उनसे ना बात का विधायक रूप में देखना चाहते हैं। और कुछ हमारे अभी बगल में है, अभी जो अभी संतोष जी है, बात करते हैं। सर, आपका झारखंड दृष्टि न्यूज में स्वागत है, बहुत बहुत बधाई है आपको जो कि चुनाव जीते हुए हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी जो आप समय दिए। विनोद कुमार सिंह एक नई सोच, एक नई उम्मीद के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। विनोद कुमार सिंह का जो हुसैनाबाद का मुख्य मुद्दा है, पलायन को रोकना, बेरोजगारी को रोकना। बेरोजगार इतना बढ़ गया है कि कहने लायक नहीं है। हमारे यहाँ खेती के योग्य पानी नहीं है, किसान त्राहिमाम है। यहाँ पे कोई उच्च शिक्षा का संस्थान नहीं है, कोई हमारे यहाँ अभी तक हैदरनगर प्रखंड में एक ही अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ भी डॉक्टर इमरजेंसी में नहीं रहते हैं, 10 किलोमीटर पैदल डाल्टनगंज यहाँ जपला आना पड़ता है। तो हमारे यहाँ जो है हैदरनगर प्रखंड में आज तक 10 साल मंत्री रहे, 10 साल विधायक यहाँ पर रहे, 5 साल विधायक रहे, कार्यकाल क्या रहा? वहाँ पर एक इंटर कॉलेज नहीं है हैदरनगर में, एक कस्तूरबा गांधी नहीं, एक हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, एक रोड कहीं प्रखंड का पूरे हुसैनाबाद कंस्टिट्यूएंसी में लगभग 99% रोड
नहीं है, 282 पंचायत अथी है आपको बूथ है, आप कहीं भी बूथ पे चल जाइए, कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहने को तैयार नहीं है कि हम कमलेश सिंह को या भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट देंगे। नहीं, जिसने 20 साल भारतीय जनता पार्टी को अपने खून पसीने से कीचड़ बनाकर कमल को खिलाया है, उसका नाम था वीर विनोद कुमार सिंह। आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता वीर विनोद कुमार सिंह के साथ है और वीर विनोद कुमार सिंह का एक ही नारा है, एक ही सोच है कि हुसैनाबाद का विकास, पलायन रोकना, किसानों को खेत में पानी देना, शिक्षा नौजवानों को देना, प्राथमिक शिक्षा उपचार पर बढ़ावा देना, ये नई सोच नई उम्मीद के साथ है। रोटी कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य शिक्षा और सम्मान की लड़ाई में विनोद सिंह मैदान में है। आप भी जो है चुनाव अभी सरगर्मी तेज है हुसैनाबाद का, क्या उम्मीद है कि इस बार जो है अंगूठी छाप का झंडा फहरेगा यानी ताज मिलेगा? सत्य परेशान होता है पराजित नहीं, विनोद कुमार सिंह सत्य के मार्ग पर चलने वाला है, वही का नतीजा हुआ कि 2019 में समर्थित उम्मीदवार थे और इस बार फिर उसे उनको 2024 में अंगूठी ही मिला है, अंगूठी लकी है। विनोद कुमार सिंह एक बार जिला परिषद में भी अंगूठी छाप से जीत चुके हैं, इसे जीत ही निश्चित है, कोई जीतेगा तो उसका नाम है विनोद कुमार सिंह, हुसैनाबाद का पहला विधायक बनने जाएगा हुसैनाबाद में, वीर विनोद कुमार सिंह निर्दलीय।